Morning everyone. Yeah, this is Mayank with you guys with a fresh new chapter of English grammar. Today we are gonna know about verbs. That is kriya. Verbs. Kriya. That is any action that any individual performs. ठीक है? Verbs. इसको पहले हम लोग define करते हैं. A word that is used to indicate the position or the condition of the subject and to denote its action is verb. वैसे words जो subject के position को उसके actions को show करते हैं वो verbs यानी क्रिया कहलाते हैं. जैसे example देखिए, he offered food to the beggar. उसने भिखारी को खाना ऑफर किया. We know this is subject. Offer करना, a type of action. This is verb. Food, object. इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे. ये पूरा object भी मान के चलिए आप इसको. तो ना object, subject. मैंने बताया हुआ है doer of the verb is subject. जो भी कोई काम करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है. और काम करने का इफेक्ट, असर जिस पे होता है डैट इज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, अब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट चूंकि ये वर्ब से इसलिए आपको ऑब्जेक्ट को समझना है. ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने दो टाइप में, दो पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाम से क्लियर है, डायरेक्ट सीधा, इनडायरेक्ट घुमा फिरा के उसको क्लियर करते हैं. इसको क्लियर कर हम लोग एक एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, उसके बाद दोनों को मैं क्लियर करूंगा. वर्ब समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का समझना जरूरी है, क्योंकि वर्ब्स के जो दो टाइप है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो बहुत कुछ ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है. देखिए एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को. आई बाउट अ पेन फॉर माय ब्रदर. आई बाउट अ पेन फॉर माय ब्रदर. ये सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. डूअर ऑफ द वर्ब, काम को करने वाला जो है. काम क्या हो रहा है? बाउट, खरीदने का ये वर्ब. ठीक है, क्या खरीद रहा है? अ पेन. ये ऑब्जेक्ट किसके लिए खरीद रहा है? फॉर माय ब्रदर. ये भी ऑब्जेक्ट होगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. क्यों होगा वो मैं बता रहा हूं अभी. और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. In this sentence, a pen is a direct object and for my brother is indirect object. ठीक है? A pen is direct object क्यों होगा ये? इसका जवाब ये है क्योंकि action सीधा हो रहा है. क्या काम हो रहा है? सीधा direct हो रहा है खरीदने का. क्या खरीदने का? A pen. ठीक है, तो direct object. Pen मैंने दुकान गया, मैंने एक pen खरीदा, direct action है ये. और pen खरीद के मैं क्या करूंगा? That is the other method. वो हो जाएगा indirect object. ठीक है, मैं क्या करने वाला उस pen का? मैंने अपने दोस्त को दिया, भाई को दिया, बहन को दिया, टीचर को गिफ्ट किया. दिस इज द अदर मेथड. बट द एक्शन इज डायरेक्टली टेकिंग प्लेस ऑफ बाइंग अ पेन, सो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर है? और माय ब्रदर, फॉर माय ब्रदर मैंने लिया है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि खरीदने के बाद हम लोगों ने उस पेन को भाई को दिया है. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब हम लोग चूज कर रहा हो. मान लिया एक सेंटेंस में आपको चूज करना है विच इज डायरेक्ट और विच इज इनडायरेक्ट, तो हम लोग इसको ऐसे ही कलेक्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाट, क्या, क्या खरीदा, क्या किया, क्या नहीं किया. दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग, तो इसके लिए क्वेश्चन आता है. हम लोग बोलते हैं इसका whom or which, whom या which.
किसको या किन में, किसको, ठीक है, किसको। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए जनरली यूज करते हैं इसको, लिविंग थिंग के लिए, लेकिन ये गलत है। लोग बहुत सोच के क्या दिया तो हमेशा नॉन लिविंग थिंग दिया जाता है, लेकिन ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो रहा है नॉन लिविंग थिंग वाला। लेकिन ये याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो इस बात का आंसर करता हो व्हाट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जो आंसर करता हो हुम और विच। याद रखिए आप लोग, आई बाउट अ पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चूज करें, अगर मैं इसको मिटा दूं यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आई बाउट अ पेन फॉर माई ब्रदर, आप लोग खुद से अंदाज लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब खोजिए, व्हाट क्या दिया, आई बाउट क्या, अपेन, व्हाट का आंसर मिल रहा है अपेन, सो इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम किसके लिए, फॉर माई ब्रदर, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझना इसलिए जरूरी था कि वर्ब्स के दो काइंड्स है, वो दो काइंड्स इस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। मैं नाम दे देता हूं उसका, वर्ब्स के दो काइंड्स का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप उसको खुद से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ब्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया टू फॉर्म में, ठीक है, फर्स्ट है ट्रांजिटिव, ठीक है, एंड सेकेंड इज इन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है, I'm going to explain these two types of verbs in next class. Till then, study object, stay in home, stay safe.